वेलकम टू क्रिस्टल कार केयर। तो इस ऑप्शनल तो इसके अंदर भाई मैं पहले फ्रंट प्रोफाइल की बात करूंगा, तो इसके अंदर हेडलाइट में प्रोजेक्टर प्लस DRL दोनों आते हैं, जो कि बेस में नहीं आता। साथ ही साथ इसमें हमने लगाया ABS गार्ड जो कि वेलकम ब्रांड का है, पर लाइट तो प्रोजेक्टर वाले होते हैं, व्हाइट लाइट भी कंपनी देता है, पर इसके अंदर थोड़ा नहीं मिलता हमें। अगर जो भी गाड़ी व्हाइट टॉप मॉडल लेते हैं उनको, अगर वो हाईवे पे या गली में भी गाड़ी चलाते हैं तो उनको विजिबिलिटी लाइट की बिल्कुल जीरो होता, कुछ भी नहीं सामने दिखता। तो इसके लिए हमने लगाया इसके अंदर डबल कलर में बार लाइट, आपको 6 LED के साथ बार लाइट दिख रहा होगा, और इसकी थ्रो अपने आप में आर पार है, लाजवाब। इसको भी मैं ऑन करके दिखाता हूँ। इसके अंदर ये व्हाइट थ्रो है अभी, अब आपको ज़्यादा लगे कि हमारे को बिल्कुल बिल्कुल क्लियर रोशनी चाहिए, जहाँ फोक है या बारिश हो रहा है उस मौसम में, तो उस मौसम में आप इसको पीला भी जला सकते हैं। एक स्विच लगेगा जिससे कि आपको जब पीला जलाना हो पीला जलाओ, जब व्हाइट जलाना हो व्हाइट जलाओ। तो अभी हमारी ये व्हाइट जल रहा है, इसी के साथ हम पीला जलाना चाहेंगे पीला भी जल जाएगा। भैया दूसरा मोड ऑन करना इसका, अभी हमारा पीला लाइट हो गया। इसी के साथ साइड में हमने क्या किया वो भी आप लोगों के सामने शेयर करता हूँ। तो साइड प्रोफाइल में हमने लगाया डोर वाइजर, रूफ रेल इस मॉडल में भी लग के आता है कंपनी से, इससे बेस में कुछ भी नहीं आता लग के। साइड बिटिंग लगाया हमने, अलाय बिल लग के आते हैं, पर जिन भाई के बेस के लिए अलाय बिल चाहिए तो अलाय बिल भी हुंडई जैनमन डब्बा सील पैक आपको मिलने वाला है विद हुंडई का जैनमन कैप के साथ। मार्केट में क्या होता है अलाय बिल तो आपको जैनमन ही मिलता है, पर इसके कैप में पूरे 2500 का डिफरेंस है, तो कैप आपको लोकल भी लग जाता है। तो ये हमारा साइड प्रोफाइल की बात हो गई। इसी के साथ आप पीछे आएंगे, पीछे भी दिखाऊंगा क्या किया हमने। पीछे हमने लगाया इसके अंदर डिफ्यूजर, काफ़ी सारी रेंज है रियर गार्ड के, कम से कम 20 डिजाइन का रियर गार्ड अवेलेबल है हमारे पास। और इसके बाद हम गाड़ी के अंदर चलते हैं अंदर, साथ ही साथ हमने इसके अंदर रिफ्लेक्टर भी लगाया हूँ, जो कि पार्किंग ब्रेक और इंडिकेटर तीनों मोड में काम करता है। अभी ये ब्रेक पे चल रहा है, चाबी ऑन करेंगे तो पार्किंग पे ही चलेगा, इंडिकेटर देंगे तो इंडिकेटर पे भी चलेगा। तो ये हमारा रिफ्लेक्टर लाइट है। इसी के साथ आप अंदर आएंगे तो अंदर बताता हूँ मैं क्या क्या किया। ये लोअर गार्निश भी है हमारा अंदर। सबसे पहले बताऊँगा कि भैया का सीट कवर लगा हुआ था पहले से, हमने इसके अंदर किया सॉफ्ट टच दोनों पार्ट, ये ऑफ वाइट कलर आता है पूरे के पूरे, हमने इस पर लेदर रैप कर दिया सब टच के साथ। इस पर पहले से एम्बियंट लाइट लगा हुआ था जनरेशन 1, हमने इसके अंदर लगाया K3 एम्बियंट लाइट। इसमें काफ़ी सारी मोड है, आप जब वहाँ से बटन से चेंज करेंगे तो बटन से चेंज होगा, प्लस आपके पास ऐप भी डाउनलोड करने का ऑप्शन होगा मोबाइल के अंदर, आप मोबाइल से भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया डोर पैनल। इसी के साथ हमने लगाया इसके अंदर पिलर, आपने देख रहे होंगे इन लाइन गाड़ी आती है वेन्यू का, सेम वही लुक इस गाड़ी के अंदर मिलने वाला है। बस अगर भैया ने सीट को नहीं लगाए होते तो इससे कहीं बढ़िया सीट को भी अपने पास अवेलेबल था मिल जाता। ये हमारा इन लाइन की तरह पूरी पिलर, पूरी दरवाजे ब्लैक हो गया, पूरी रूफ ब्लैक हो गया। ये हमारा डबल सेट में छत का वेलवेट है, जो आप हाथ मारोगे तो सेट मारेगा, ठीक है। तो ये हमारा छत हो गया, ये हमारा पिलर हो गया, ये हमारा CABC तीनों पिलर हो गए। इसी के साथ हमने लगा रहा है इसके अंदर हुंडई जैनमन सन ग्लास होल्डर, जिसके अंदर कोई गैपिंग नहीं होता। इसी के साथ ये हमारा फ्रंट का डोर पैनल है, ये भी सॉफ्ट टच के साथ है, यहाँ भी हमने एम्बियंट लाइट लगाई है। डैशबोर्ड का जो पीस है वो हमारा इधर लगा हुआ है। इसके अंदर कंपनी ने कुछ ऐसा लाइट लगा के देता है इस मॉडल के अंदर, बेस में तो कुछ भी लग के नहीं आता। तो आप लोगों के सामने सन ग्लास होल्डर की फिटिंग कैसे होता है, ये देखो हमारे उस्ताद जी कुछ भी लग रहे हैं सन ग्लास होल्डर लगाने के लिए, ठीक है, जिससे कि गैप ना आए। नीचे हमने एम्बियंट लाइट इसमें 10 पीस का लगाया है, इसके पैरों के नीचे भी लाइट आएगा आपको मिलेगा। ये सीट कवर बाजार से लगा हुआ होगा, जहाँ से भी लगा हो मुझे नहीं पता कि कहाँ से भैया ने लगवाए। अभी मैंने दूसरी वेन्यू का ही वीडियो शूट किया, उसमें दिखाया कि भाई हमारे गाड़ी के सीट कवर में थाई सपोर्ट के साथ सीट कवर होता है, इसमें देखो कोई थाई सपोर्ट नहीं है। हमारी इस वीडियो से पीछे की वीडियो में आप जाएंगे तो आपको हमारी जितने भी वेन्यू का सीट कवर होगा या अदर 99% में कोई भी गाड़ी, उसमें हमारा थाई सपोर्ट के साथ सीट कवर मिलने वाला है। तो ये हमारा दूसरी वेन्यू का काम चल रहा है, अभी इसमें हम स्टेयरिंग रैप भी करेंगे रेड थ्रेस से, वो भी आप लोगों के सामने दिखाऊंगा कि क्या क्या कैसी फिटिंग है हमारी।
तो भाई अपनी वेन्यू हुई फाइनल एस मॉडल। तो अब इसके अंदर हमने फ्रेंड में बता दिया था, दोबारा फिर क्लियर कर देता हूँ। भैया सबसे हम स्टार्ट करते हैं पहले बार लाइट से, बार लाइट ऑन करना भैया। ये देखो पीली जल गया, अब नाइट हो चुका है। अब इसकी थ्रो आप देख लो कि कितनी ज्यादा है, सामने आपको इसकी विजिबिलिटी दिख रहा होगा। व्हाइट करना भैया, अब ये व्हाइट है। अगर आपको जैसा मौसम हो उस मौसम के अगेंस्ट आप कलर चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारा एबीएस गार्ड हमने दिखाया, बार लाइट दिखाई, तो ये हमारा फ्रंट प्रोफाइल का सारा जो भी हमने लगाया वो चीज आपको सामने है। इसी के साथ हमने जो साइड में किया वो भी दिखा चुका हूँ, दोबारा फाइनल हो चुका है। ये हमारा डोर वाइजर है, लोअर गार्निश है, साइड बिडिंग है। ये हमारी डोर गार्ड है जीटी का। तो ये हमारा अब रिफ्लेक्टर जल रहा है, कनेक्टिंग टेल लाइट इस मॉडल में आते हैं। पर जिन भाई को बेस मॉडल में अगर कनेक्टिंग टेल लाइट चाहिए तो हमारे पास भाई तीनों पीस एनी टाइम अवेलेबल होता है, आप हमसे लगवा सकते हैं। इसी के अंदर भैया ने ग्रास मैट डलवा रखे हैं, पर इसके लिए आपको ग्रास मैट की कोई नीड नहीं है डलवाने की। प्रॉपर डिग्गी का बूट मैट आता है, पार्सल ट्रे भी आता है, वो भी हमारे पास एनी टाइम स्टॉक होता है। तो ये हमारा फ्रंट रियर साइड प्रोफाइल कंप्लीट हुआ। अब हम दिखाते हैं ये अंदर की। तो भाई आप देख लो, या गिनती उधर से करो या इधर से, ए बी सी तीनों पिलर आपको पूरा जेड ब्लैक में दिखेगा। रूफ आपको जेड ब्लैक दिखेगा, डोर आपको जेड ब्लैक दिखेगा, साथ ही साथ इसके अंदर दिखने वाला है एम्बिएंट लाइट K3 मॉडल। तो ये हमारी पूरी गाड़ी अब कंप्लीट हो चुका है, फिर भी मैं अंदर से आपको फ्रंट सीट से दिखा देता हूँ। तो ये हमारा सेंटर डोर पैनल हमने क्लियर कर दिया था आप लोगों के सामने, अब पूरी गाड़ी कंप्लीट पैक हो चुका है। तो आप इसका विजिबिलिटी चेक कर लीजिए, एम्बिएंट लाइट का भी, ये स्टीयरिंग कॉर्ड भी लग गया साथ में। हमारा सीट कवर, भाई हमने सीट कवर नहीं लगाया, हमारी सीट कवर में थाई सपोर्ट के साथ होता है। क्रिस्टल की सीट कवर की क्वालिटी ही दुनिया से हट के होता है अलग, क्योंकि हमने खुद अपने हाथ से सीट कवर का सारा काम करने का सिस्टम बना रखा है। इसलिए हमारे पास सीट कवर की क्वालिटी, आपको मार्केट से आप किसी भी बाजार में चले जाना वहाँ से अलग सीट कवर हमारा मिलेगा क्वालिटी, वो भी मैं आपको दूसरी गांव से भी मिलवाऊंगा कि यहाँ सीट कवर का हमारा क्वालिटी कैसा है। सनग्लास होल्डर भी हमारा फाइनल है, हुंडई जेनमन है, कोई गैपिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अब बारी आती है हमारे जो ओनर है कार की, उन भैया से रिव्यू का कि हाँ उनको हमारा काम कितने परसेंट तक कैसा सक्सेसफुल लगा या नहीं लगा। तो हमारे तीनों भाई है जो बैनू एस मॉडल हमारे पास लेके आए क्रिस्टल कार केयर पे। तो भैया आपकी गाड़ी का काम अब हो चुका है, जो भी आपकी नीड थी, जो भी हमारे को आपने बताया कि ये चीज़ करानी है, सारा काम फाइनल है। तो पहले तो मैं आपसे नाम पूछूंगा कि आप आए कहाँ से हैं, अभी तक तो सब कुछ कर ली। कराना से आपका नाम भैया? कामरान। अच्छा, मोहम्मद कामरान नाम है भैया का। और कहाँ से बोले आए? कैराना। ठीक है, तो ये भैया आपकी गाड़ी का सारा काम फाइनल हो चुका है। तो आप बताइए, क्योंकि सारे व्यूअर जो वीडियो देखेंगे उनकी अपनी गाड़ी का भी एक उम्मीद होता है, चॉइस होता है काम कराने का। तो आपने क्रिस्टल कार केयर पे आए, कैसा आपको हम जो भी गाइड किए, जो भी प्रोडक्ट दिखाया, फिटिंग होने के बाद अब कैसा इसका रिजल्ट है, कैसा परफॉर्मेंस है इसका? रिजल्ट एक नंबर है जी, बिल्कुल जेन्युइन काम है, बहुत अच्छा लगा काम करवा के। आपके सामने मैंने सीट को दूसरी वेन्यू में लगाया था और आपने पहले से लगवा रखा था, कुछ अंतर था उसमें? आपके वाले में थाई सपोर्ट के साथ है। फिटिंग अच्छी है। फिटिंग अच्छी है। चलो, भैया ने पहले वीडियो नहीं देखे होंगे या अपनी नियर बाई आसपास करा लिए होंगे टाइम की वजह से। तो भैया जो भी आपने सब टच कराया, वेलवेट छत में लगवाई, पिलर लाइट बनवाया, सन ग्लास होल्डर लगवाया, बार लाइट के लिए क्या कहोगे? जैसे आपका पहला ऑप्शन था हेड लाइट का बल्ब चेंज करना, पर इसका बल्ब चेंज नहीं हो सकता, पर हमने आपको गाइड किया कि भैया यहाँ लाइट लगा लो, आपकी थोड़ा बढ़िया हो जाएगा। आप तो अंधेरा भी हो गया, आपने जला के भी देख लिया, कैसा रिजल्ट है इसका? लाइट बहुत अच्छी रही है, हमें लाइट की ज्यादा जरूरत थी, लाइट ये बहुत अच्छी है जो भाई ने लगवाई है। अब और जो अंदर का सारा काम है, ये अंदर का भी सारा काम बढ़िया है, सारा जेन्युइन काम है, एक नंबर। चलो, आपने तो फिनिश है बहुत बढ़िया, सब काम बढ़िया हो। आपने तो अपनी गाड़ी में काम करा लिया, आप अपने सामने आंखों देखे, तो आप तो कंफर्म हो कि भाई यहाँ काम बढ़िया होता, तो आप तो आओगे ही आओगे। पर जो भी आपकी सर्कल में जितने भाई बंधु होंगे, क्या आप क्रिस्टल कार केयर पे उनको भेजोगे या क्या कहोगे कि भाई वहाँ मत जाना, महंगा है या खराब सामान लगता है? नहीं, सामान एक नंबर है, बिल्कुल जेन्युइन है, चीज बिल्कुल बहुत अच्छी है। आप क्रिस्टल कार पे भेजोगे दोबारा? क्रिस्टल कार केयर पे आओ दोबारा, क्रिस्टल कार केयर पे आओ, यहीं आएंगे जब भी जरूरत पड़ेगी। तो भैया आज हमारी वेन्यू का काम कम्प्लीट यहीं पे हुआ, फिर मैं मिलता हूँ आपको दूसरे वीडियो में दूसरी वेन्यू के साथ या किसी अदर गाड़ी के साथ। तो थैंक यू भैया आपको क्रिस्टल कार केयर पे काम कराने के लिए हमसे।